हेलो अलैक्म वालेकुम फरमाइये मोहतरम मेरा नाम रमजान मुमताज है और मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ sure. आज तो मुफ्ती साहब ने जनाब मेरा मसला ही हल कर दिया मेरी सिस्टर इन ला जो है वो रास्तों की बड़ी भुलक्कड़ हैं <laughs> वो हमारे घर का रास्ता अक्सर भूल जाती हैं एक ट्रेन तो वो ब्रुकलन निकल गई हाईवे हाईवे पे तो स्पेशली वो जो है ना वो अक्सर वो बेहतर जो है ना वो रास्ता जो है ना अपना खोटा कर बैठती हैं तो एनीवे आई विल लेट हर नो या बस्वीर थैंक यू वेरी मच और uh, अब आते हैं आज के सवाल की मुफ्ती साहब सोशल uh, मीडिया पर वक्तन वक्तन मुझे एक पैगाम मिलता है यकीनन आपको भी ये मैसेज मौसू होता होगा बल्कि ये पोस्ट तो इस कदर आम हो चुकी है कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे तमाम ही नाजरीन को कम से कम एक बार तो ये पैगाम जरूर मिला होगा मैं इसका मफहूम आपको बता सकता हूँ मैसेज क्रिएट करने वाले साहब लिखते हैं कि उन्होंने नबी करीम सलम पर दस करोड़ बार जबू शरीफ भेजने का प्रोग्राम बनाया है जो भी इस पैगाम को दस अफरा तक फॉरवर्ड करेगा उस पर रहमतों का नजूर होगा और जो नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा अब जाहिर तौर पर तो यूँ लगता है की ये काम बहुत ज्यादा खैर बरकत का हामल है। लेकिन मैं समझता हूँ पहले आप जैसे आपकी तरफ से की सूरत में यही काम हमारे जारिया बन सके जी। जी बहुत शुक्रिया जी। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकन आरोप क्लिक करें शुक्रिया जी माशा माशा रमज़ान मुमताज़ साहब सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप हमारे जो है मजामी को अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह तबारक व ताली जो है उसको सदका जारिया बनाते हैं और हम भी दुआगु हैं कि आप हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट लेने की तोफ़ी खतः फरमाएँ बाकी आज का सवाल आपको बहुत अच्छा है बिल्कुल सोशल मीडिया पर इस किस्म के पैगाम आते रहते हैं और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं कि हमने जो है दस करोड़ या सवा करोड़ या जो दो करोड़ जो है द्रूषी पढ़ने का या सवा लाख दुरुशी पढ़ने का अहतमाम किया है लिहाजा आप हज़ार इतना दुरुशी पढ़ लें तो लिहाजा इतने दिन में ये पूरा हो जाएगा तो उसमें यह कि बेशक दुरुशी जो है दहरा सलाम से बढ़ कर तो कोई इबादत ही नहीं है बल्कि सलात अम की बरकत सी हमारी दुआएँ कबूल होती हैं और हमारी इबादतों की रूह और जान ही रसोल व्लम पर सलात सलाम है बाकी ये कि इस किस्म को इसको ऑर्गेनाइज़ करके सोशल मीडिया पे लोगों पैगाम दे के उनको ये अगर मोटिवेट किया जाए तो उसमें कोई मजाक़ा नहीं ये को मोहब्बत की बात है कि अगर 10 करोड़ का उन्होंने सेटअप किया है तो हर एक आदमी की ज़िम्मे लगा दें कि मझे अगर जो पचास हज़ार बंदे में से हर बंदा इतना पढ़ ले तो ये तीन दिन के अंदर मसला ये 10 करोड़ पूरा हो जाएगा या सवा करोड़ पूरा हो जाएगा तो इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने में कोई मजाक नहीं और उसमें बतौर फजीलत के ये कहने में भी मजाक नहीं है कि जो ये करेगा और आगे पैगाम देगा तो ज़ाहिर है कि आगे पैगाम नेकी के पैगाम को आगे देने में भी अजुर्सवाब है क्योंकि अद्दा खैरी कफाइली ही हदीस में आता है कि जो खैर की तरफ रहनुमाई करे तो वह ऐसे ही जैसे खुद खैर कर रहा है इसने आगे किसी को पैगाम दे दिया तो उसने भी अगर वो पढ़ना शुरू कर दिया तो इसके लिए सदका जारी है इसमें यकीमत नाजिर होंगी क्योंकि द्रूशी खुद सेल्फ एक बहुत बड़ी रहमत है लेकिन साथ अगला जो पहलू आपने बयान किया कि अगर ये इस पैगाम को आगे दस लोगों को, को नहीं भेजेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा ये बात एक ऐसा इजाफा है कि जिसकी शरीय तो अकल और हमत में कोई गुंजाइश नहीं है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है ये वो ये समझ रहे हैं कि शायद लोग डर के आगे भेज देंगे कि हम बर्बाद कहीं ना हो जाएं या ख़ुदा न खास अगर कुदरती तौर पर उनको कोई ऐसे अहवाल पेश आए तो फ़ौर वो सोचे यार शायद मैंने पैगाम नहीं भेजा तो इसलिए बर्बाद हो गया नहीं नबीम सल वम के सलात वाम वो बर्बादी के लिए नहीं है वो आबादी के लिए वो शाद मानी के लिए है वो रहमत नाजिल करता है वो उसको अगर तर्क कर भी दिया किसे नहीं पढ़ा इस वजह से कि मसरूफ़ है इस वजह से किफ़िल हो गया कोई बात नहीं तो नबी अलैहि वसल्लम के दुरुद को इस तरीके से ना पढ़ने पर ख़ुदा का कोई अज़ब नाजिल नहीं होता ना नबी पाष्लम ने कोई ऐसी वही सुनाई है कि लोग जो है इस कोई चीज़ को मिस यूज़ करें कि इस पैगाम को अगर नहीं आगे पहुँचाया तो आप बर्बाद हो जाएंगे इसलिए कि ना पहुंचाने की कोई बहुत सी वजूहत हो सी हो सकती हैं एक आदमी अदावत और अदावत और हसद में और एक जो है कुफर और शिर की वजह से नहीं पहुंचाता तो वो तो वैसी मुसलमान मोमिन नहीं है जो मुसलमान मोमिन है और जिसकी शर्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये करार दी कि लाहो मीन अहदुक महत्ता अकून अहब्ब इही मी वाली व वालदी व नास कि कसम उसद की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है तो मैं से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन ही नहीं हो सकता कि जब तक के वो मैं उसकी नजर में उसके माँ बाप से उसके औलाद से सारी इंसानियत से ज्यादा महबूब ना हो जाऊँ तो ये हब्ब नबी तो ईमान की रूह और जान है ईमान सारे अमाल सालिया की रूह है और हब्ब नबी जो है वह ईमान की रूह है अगर वो ना हो तो ईमान ही नहीं है तो एक आदमी इस जो है वो किसी अदावत की वजह से आगे ना फॉरवर्ड करे तो वो तो ऑलरेडी काफ़िर और मश्रिक है उसकी तो बर्बादी में शक ही नहीं है लेकिन एक मुसलमान जो सच्ची मोहब्बत करता है नबी से लेकिन उसने आगे फॉरवर्ड नहीं किया उसका मिजाज नहीं वो या आगे मुनासिब नहीं समझा नहीं भेजा उसने या किसी वजह से उस पैगाम को आगे फॉरवर्ड करने में बिज़ी हो गया तो अब आप उसको ये कहें कि जिसे फॉरवर्ड नहीं किया तो लिहाजा वो बर्बाद हो जाएगा तो ये आपने ऐसी बात कह दी कि जिस पर अल्लाह राजी नहीं है तो जी रिवायात में वाक़ लिखा है कि एक शख्स ने कह दिया नेक बंदे ने कह दिया फला आदमी ये बर्बाद हो गया ये अल्लाह की रहमत से जब जन्नत में दाखिल नहीं होगा ये जहनम का ही मरेगा तो वक्त के पैगम्बर को अल्लाह ने वही नाजिल कर दी कि उसको बता दो कि वो तो जन्नत में जाएगा तू जहनम में जाएगा क्यों कहते इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व ताला पर इतनी बड़ी बात कर दी कि अल्लाह इसको जानव में भेजेगा भेजने वाला मैं हूँ तू को बर्बाद आबाद करने वाला तूने क्यों मेरी रहमत को एक्सक्यूज कर दिया बंद कर दिया और उसको दूसरे तक पहुँच ही नहीं दे रहा और तू अपने आप के किबर में मुबतला होकर तुमने सोचा जन्नत मेरे लिए तो फिर मैं जन्नत अब उसके लिए होगी और जानम इसके लिए होगी तो इस तरह के जो मैसी करते हैं उनको इतना करें कि देखें जी अगर आप आगे फॉरवर्ड करें कि दस लोगों को उन्होंने अगर शुरू कर दिया पढ़ना तो आपको जो है वो आपके जो सदका जारी है आप पर अल्लाह की रहमतें होंगी जहाँ अल्लाह आपके पढ़ने पे एक दुशी पे दस रहमतें उतार रहा है अगर दस बंदों ने पढ़ लिया तो आप पर पता नहीं हज़ारों रहमतें नाजिल होंगी तो ये फजील बाकी अगर नहीं भेजा तो आप बर्बाद हो जाएंगे ये ये ज्यादती है इस किस्म का अगला जो जुज़ है वो दुरुस्त नहीं है बाकी इन चीज़ों को इस तरह ऑर्गनाइज़ करके अगर पढ़ा जाए तो उसमें कोई मुजाक़ा नहीं है अच्छा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना करोड़ों दुरुषी भेजा जा रहा है उम्मत मुसलिमा आपको जो है रहमत अल्लाह की रहमत की दुआ आपके लिए कर रही है तो ज़ाहिर है उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मुतवजह होगी बल्कि हदीस में जैसे आता है कि मनसल आलिया वाहिदतन जो मुझ पर एक मरतबा जो है रहमत की दुआ करता है सल्लल्लाहु अलैहि अशरा अल्लाह तबारक वताले उस पर अपनी दस रहमतें हाजिर कर देता है तो इस अंदाज़ से अगर किया जाए पैगाम पहुँचाया जाए उसमें का नहीं लेकिन जिस अंदाज से आपने बताया है ऐसा कहना जो है ये बिल्कुल शरीयत और अकल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और मुनासिब है बहुत खूब हज़रत इसकी क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत थी ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और इसी तरीके से आ रहे हैं डराने वाले कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आप गए जी ये बहुत शुक्रिया